so much, each of you, for being here this evening. May I please now request Javed Sahab to say a few words for us. की जरूरत आए दिन करती रहती है, उन्हीं चीजों के नाम रखे जाते हैं, उन्हीं रोगियों के लिए लफ्ज बनते हैं जो अक्सर हमारे सामने आती हैं, होती आती हैं, हमारे गर्दोपेश होती हैं। लेकिन वो बातें, वो चीजें, वो खूबियां, वो लोग जो सदी में एक आध बार हो जाए, उनके लिए लफ्ज ही नहीं बनते, इसलिए उसकी जरूरत पड़ती है। कभी कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि हमें ऐसे लोगों के बारे में और उनके अवसाफ, उनकी खूबियों और उनकी सलाहियतों के बारे में बात करनी हो, तो मालूम होता है कि खजाने में तो ऐसे लफ्ज नहीं है। ये मसला इस वक्त मेरे सामने है, मैं क्या अर्ज करूँ इतने बड़े फनकार के बारे में। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा साहब, ये एक बहुत बड़ी आवाज, बहुत बड़े फनकार ही नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है, ये एक रवायत है, ये वो हिंदुस्तान है जिसे आज का लोग नहीं जानते। कहां ढूंढते हैं हिंदुस्तान? हिंदुस्तान कोई भी मुल्क है, वो होता कहां है? वो अपने बिल्डिंग्स में और दीवारों में और दरवाजों में और पहाड़ियों में और मैदानों में नहीं होता, सिर्फ वो उस मुल्क की तहजीब में होता है, उसके कल्चर में होता है, उसके आर्ट में होता है। वही तो मुल्क, असली मुल्क तो वही है जिसे हम कहते हैं मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम जो है वो किसी कारखाने, किसी फैक्ट्री, किसी कॉरपोरेट के ऑफिस में नहीं बहती, किसी पॉलिटिशियन के यहाँ से, किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में नहीं होती, वो होती है फनकारों के पास। साहब पूरी अकीदत, पूरे एहतराम के साथ आपको सलाम करता हूँ। और ये एक ऐसे सूरज हैं जिन्होंने न जाने कितने सितारों को और सितारों को रोशनी दी है, सितारों के फैन हैं जो इनके फैन, तो हमारा रिश्ता भी इनसे कई पीढ़ियों का। ऐसे ही लोगों को अपना फन देते रहें, उनकी ज़िंदगी में खूबसूरती मौसीकी सुर ताल करते रहें और इन बच्चों पे आपका आशीर्वाद रहे, यही मेरी दिल से दुआ है। थैंक यू सो मच जावेद साहब। सुरेश जी इज ऑल्सो हियर। सुरेश जी, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स फॉर माय सर ऑन दिस वेरी स्पेशल डे। सबसे पहले तो बर्थडे की बहुत बहुत मुबारकबाद आपके चरणों में। मैं तो मस्तक हूँ। जावेद साहब ने सब कुछ तो कह दिया जो उनके लिए कहना चाहिए था। मैं तो यही कहूँगा कि बचपन से ही आपको, आपका आशीर्वाद और गाने का प्रसाद मिलता रहा है और मेरे गुरुजी के बहुत ही करीबी दोस्तों में रहे हैं खान साहब। बस इसी तरह आपका आशीर्वाद हम सबको भी मिलता रहे, यही प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद। Everyone has said so many beautiful words for खान साहब। I have been very very lucky कि मुझे मौका मिला उनके साथ एक सेशन करने का। I learned from Kadir sir who is my guruji and एक बार मुझे उस्ताद जी के साथ
in class mila, and that was such a learning experience for me. And for people in the newer generation, the younger generation, उनको ये जो music है, घराने का जो music है, वो इतना they're not aware of that. And I just hope that all of us who are the students of Ustad ji, we carry this tradition of the Gharana music forward into the music of our industry and to the music, to the youth of the generation, because they also need to know what kind of music this is and such a beautiful heritage our country has in the form of Ustad ji. Thank you so much for teaching us beautiful music. We hope to carry this on. जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. मैं खान साहब से हमेशा छुपता रहता हूँ, जब भी जाता हूँ तो बोलते हैं वो पिताजी की आपने किताब आप कब छाप रहे हैं. तो मेरे वालिद साहब ने एक किताब लिखी है संगीत वेद, जिनके लिए हमेशा बोलते हैं कि उसका काम कब शुरू कर रहे हैं. तो मैं हमेशा हिचकिचाता रहता हूँ कि जाऊँ कैसे जाऊँ. लेकिन आज कल सोनू निगम का फ़ोन आया, बोला आपको आना है वहाँ पर. आई एम थैंकफुल टू सोनू जी. एंड बस आपके रहते रहते ये किताब छापनी है हमको, और इसके आपकी दुआएं हमको चाहिए. और मेरी तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच. मेरे पिताजी और खान साहब जो है वो महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे जगह पे दौरे के लिए जाते थे, प्रोग्राम के लिए जाते थे, कि जो सांगली, कराड़, बीड और ऐसे जगह पे जहाँ पर लोग बैलगाड़ियों में बैठ करके जो है गाना सुनने के लिए आते थे. और जब मैंने ऑर्गेनाइजर आया, खान साहब से कहा कि खान साहब सब खैरियत, बोले हाँ, बोले उसके बाद बस आपका, बोले हाँ मैं भी तैयार हूँ. तो उसने पूछा कि आप क्या राग गाना सोच रहे. खान साहब ने कहा मैं भाग्यश्री सोच के आया. बोले भाग्यश्री? खान साहब कुछ और कही ना. बोले क्यों? बोले कल भाग्यश्री का महल बड़े गुलाम अली खान साहब बना के गए, वो अभी तक ऐसा गूंज रहा है. खान साहब ने कहा चाहे मेरा झोपड़ा ही सही हो, गाऊंगा बागेश्वरी. प्लीज गिव मी योर गुड विशेस. Thank you.
ये मौका मिला है मुर्तजा भाई, रबानी भाई, काले भाई और सभी सोनू भाई, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं और रिजवान हूँ कि हमको ये मौका मिला है गाने का अल्लाह की खिदमत में जो भी हम पेश कर सके यहाँ पर. A big hand for Adnan, one of the nicest boy and one of the most talented singers. Okay. Yeah. Mind? Just get you.
this Sonuji got me off guard, but I'll just sing something that is really close to my heart. Tere mere dar mein aaye baatein ankahi, tu wahan hai main yahan kyun saath hum nahi? Tere mere dar mein aaye baatein ankahi, tu wahan hai main. मेरा ख्याल है वो ऐसी शख्सियत हैं उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब कि जिनको सबके सामने ना भी किया जाए या सम्मानित ना भी किया जाए तो भी वो उतनी ही बड़ी शख्सियत रहेगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा अपना मकाम जो है वो कायम किया है अपने अभ्यास के ज़रिए, अपनी तालीम के ज़रिए, अपनी लगन के ज़रिए, और सालों साल उन्होंने वो किया है, और यही वजह है कि हमारी जो आदरणीय गवर्नमेंट है उन्होंने उनको ये खिताब दिया है जिसको कि पद्म विभूषण कहते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर उन्हें पद्म विभूषण अभी अभी तो मिला है, लेकिन पद्म विभूषण जब नहीं मिला था तब भी वो उतने ही बड़े थे, तो मैं ये कहूँगा कि पद्म विभूषण को उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां अवार्ड मिला है। मैं अभी तक सीरियस ही बात कर रहा हूँ आपसे। ऐसा मैं नहीं समझता कि सिंगर्स को कम वैल्यू दी जाती है। सिंगर्स को वैल्यू हमेशा मिलती आई है हिंदुस्तान में, जब से हिंदुस्तान बना है तब से, हिंदुस्तान जब नहीं बना था तब से, या हम मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान ही था लेकिन जब पार्टीशन नहीं हुआ था तब से भी सिंगर्स को बहुत अहमियत दी गई है, और अगर अहमियत नहीं दी जाती तो भारत रत्न एक सिंगर को नहीं मिला होता। तो गलत सवाल पूछ रहे हैं आप मुझसे, क्योंकि आपका अभ्यास कम है, आप कुछ पूछ रहे हैं। आवाज़ें, सुर, मेलेडीज़ सुनने को मिल रही हैं। ये पंकज उदास जी हैं और जावेद अख्तर जी, जो उनकी पोजिंग, उनकी प्रेजेंस है यहाँ पे, उनका उनकी ब्लेसिंग्स हैं, तो इट्स एन ऑनर टू बी हियर। गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, बहुत खूबसूरत बात है यार, बिकॉज यू नो इतनी सुरीली महफिल है, एंड just to be a part of so many surreela people and the melodies that you're hearing in the background as zindagi ka lagale suresh ji ga rahe, I think it's a khoobsurat kuch nahi ho sakta, so I'm feeling very grateful to be a part of this. If you talk about your journey, aapko bahut hi acha platform mila ji, kya kehna chahenge uske bare mein? Acha ye sir koshish hai, wo to aap log batayenge jab release hogi kya kehna hai. So aapko coordination bhi hogi Salman Khan se aur other people se? Sir, I can't talk a lot about it, but yes, I'm surely promising that when it'll come out, it'll be very good. Yeah. Sir, कुछ नहीं सुना सकता हूँ। हाँ, अपना गाना, एक फिल्म करी थी हमने अभी करीब सिंगल, उसमें एक गाना गाया आतिफ ने, जाने दे, मैं उसकी दुला निकाल देता हूँ। वो जो था ख्वाब सा, क्या कहें जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि खान साहब को पद्म विभूषण मिल गया,
पहले से ही मिलना चाहिए था, देर आए दुरुस्त आए, पर इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े हिंदुस्तान की शान हम लोग कह सकते हैं, और हमारे गुरु समान, और आज उनका जन्मदिवस भी है, मैं बहुत बहुत उनको चरण स्पर्श करता हूँ और उनकी अच्छी सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो बहुत स्वस्थ रहें। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का है, और सोनू ने और हरी ने और उनके बेटों ने ये बहुत ही खूबसूरत आज का फंक्शन किया है, नज़र न लग जाए ऐसा फंक्शन किया है। और फिर से एक बार खान साहब को बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ और चरण स्पर्श करता हूँ, धन्यवाद। क्यों नहीं करनी चाहिए, भारत रत्न भी, भारत के रत्न हैं ये सारे, और जिन लोगों को हम सुनते सुनते बड़े हुए हैं, और खान साहब का तो कोई जवाब ही नहीं है, ऐसा ऐसा गाया हुआ है उन्होंने, हमारे लिए सीख है बहुत बड़ी, हम उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू सर। विमेंस डे आ रहा है, आप किस तरह से विमेंस डे मनाते हैं? अभी विमेंस डे का रहने दो भैया। मैं कहना चाहूँगी दैट मैं अपने आप को बहुत ही खुद किस्मत समझती हूँ। आई थिंक आई एम रियली लकी दैट आज इतने सारे लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ खड़े रहने का मौका मिला, इस महफिल में शामिल होने का मौका मिला। और खान साहब के बारे में मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, मैं बहुत ही छोटी सी हूँ उनके सामने, उनसे कभी रूबरू होने का मौका मिला नहीं इसके पहले। आज रूबरू हुए तो ऐसा लगा दैट यू नो, आप इतने सालों से जो आप मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आज आपने साक्षात सुरों को अपने सामने देख लिया, तो आई एम रियली ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट। विमेंस डे आ रहा है, आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? विमेंस डे बहुत ही एक्चुअली हमारे घर में हर डे विमेंस डे की तरह मनाया जाता है, बिकॉज़ मेरे घर में मैं अकेली विमेन हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरे फादर इन लॉ है, अब मेरा छोटा सा बच्चा है, ही इज़ अ बॉय, सो मैं अकेली लड़की हूँ, तो यू नो दे गिव मी लॉट्स ऑफ लव थ्रू आउट द ईयर, सो मेरे लिए विमेन एवरी डे इज़ लाइक अ विमेंस डे। थैंक यू सो मच। मैं उनको जैसे जानता हूँ, सब लोग उनको वैसे नहीं जानते, मैं उनके बारे में उतना नहीं जानता जितना सब लोग जानते हैं, बहुत कम जानता हूँ, और बहुत कम समय में उनके साथ मेरी पहचान हुई, 5 मिनट के अंदर और 1 दिन के अंदर उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। हमारा उनका रिश्ता यही है कि बचपन से जानता था कि खान साहब कानपुर के हैं, उसी एक उम्मीद से मैं मुंबई में आ गया कि कहीं ना कहीं एक बार खान साहब से मिलूंगा और शायद हमारा शहर कानपुर इतना लकी है, उनके जैसे उस्ताद जी मुंबई में हैं, तो शायद मुझे उस नाते उनसे सीखने का मौका मिले। लेकिन गाना सीखने से ज़्यादा उनसे ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया, अगर वो नहीं पाया होता मैंने तो आज मैं मुंबई में नहीं होता। मुझे मुंबई में ना मेरे पास छत थी, ना खाने के लिए पैसे थे, ना रहने को घर था, ना कोई काम था, ना कोई इनकम था, मैं यूं ही चला आया था, और 10-15 दिन में मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए थे। मैं वापस जा रहा था तो मैंने कहा जाते जाते एक बार हमारे कानपुर के खान साहब से, मैं उनको हमेशा कानपुर के खान साहब ही बोलता हूँ, कानपुर वाले भी यही कहते हैं, मैंने कहा एक बार उनके दर्शन करते हुए फिर मैं वापस कानपुर चला जाऊँगा।
मैं उनके दर्शन पे गया और मैंने कहा मैं अब थक गया हूँ। उन्होंने मेरा गाना सुना भी नहीं और मुझसे पूछा क्या कर रहे हो, क्यों वापस जा रहे हो। तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम है, मेरे पास कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, अब तो मैं वापस अपने शहर चला जाऊँगा। तो उन्होंने मुझसे प्रॉब्लम पूछा तो मैंने पूछा मेरे पास पैसे नहीं है, रहने को घर नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास इनकम नहीं है। तो विद इन वन डे के अंदर उन्होंने मुझे एक बड़े ऑफिसर से मिलवाया, उनके घर ले गए मुझे, सुबह मुझे बुलाया, नाश्ता करवाया सामने ईरानी रेस्टोरेंट में। एक बंदा जो 15 दिन से स्ट्रगल कर रहा है, जिसके पेट में कुछ नहीं है, उसको उन्होंने नीचे ईरानी रेस्टोरेंट में खाना खिलाया मुझे। फिर मुझे किसी के पास ले गए, फिर तीसरे दिन इंटरव्यू कराया, चौथे दिन मुझे जॉब मिल गई। फिर मुझे उन्होंने ये भी कहा कि सामने ये वाला ऐसा रेस्टोरेंट है, सब गाइड किया, इस रेस्टोरेंट में जाना, इस रेस्टोरेंट में हमारे काफ़ी स्टूडेंट लोग भी जाते हैं, वहाँ पे ये खाना अच्छा मिलता है, वहाँ पे ये सस्ता मिलता है, वहाँ पे ये मिलता, सब सेट करके दिया। ऐसे गुरुजी देखे हैं आप लोगों ने कभी? ऐसे गुरुजी नहीं होते, ये तो एक इंसान के रूप में साक्षात भगवान है। आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी है कि उनको पद्म विभूषण से गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड दिया है, ये अवार्ड दिया है उनको, क्योंकि मेरे हिसाब से वो बहुत महान कलाकार है। मैंने उनको कई सालों से मैंने उनको सुना हुआ है, और जिस तरीके से वो क्लासिकल म्यूज़िक गाते हैं, जो तैयारी है उनका, जो तान की पद्धति है, सब रिमार्केबल है। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लासिकल म्यूजिशियंस ऑफ आर कंट्री। उसके अलावा बहुत बड़े गुरु हैं वो, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को तैयार किया है। हरिहरन जी तो हैं, सोनू निगम जी हैं, बहुत अच्छे फ़नकार हैं, रहमान जी साहब, बहुत अच्छे अच्छे उनके स्टूडेंट्स हैं जो कामयाब हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि उनको ये ऑनर मिला, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर फॉर दैट। मैम, वुमेंस डे के लिए आपकी विशेस? I hope and pray that every girl in India should have the advantage of having education and the strength and the pride to stand on their own two feet. And I look forward to an India where every woman is emancipated. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. कहाँ देखना है? वेयर डू आई सी? डन, ओके जी। ये जो फैमिली है, ये जो घराना है, उनसे मैंने तालीम ली है। उनके जो बेटे हैं कादिर मुस्तफ़ा खान, उनसे, वो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे क्लासिकल म्यूज़िक सिखाया। तो बहुत ही मेरे लिए यू नो बहुत ही बड़ी बात है कि आई एम इन दिस प्लेस विद सच अमेजिंग पीपल, इतने उस्ताद जो है हमारे म्यूज़िक के, हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के। और बस यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को और पता चले ऐसे संगीतकारों के बारे में, तब
हमारा जो इंडियन क्लासिकल है वो भी और आगे बढ़े, नॉट ओनली बॉलीवुड म्यूजिक बट ऑल्सो हमारी जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है वो भी आगे बढ़े। सर अगर बात की जाए जी, वो एक आइडियल मैन थे, एक आदर्श वाले गायक थे जी, कोई उनके जो लक्षण जो आप अपने साथ जिंदगी भर लेके चलना चाहेंगे, उनके कोई आप गुण जो आदत जो उनकी एक एक आदत थी कि वो किसी से भी मतलब मतलब किसी भी अच्छे सिंगर को भी देखे तो वो उनसे बहुत जल्दी से इम्प्रेस नहीं होते थे, वो बहुत ही अच्छी आदत है उनकी कि ही इज़ टू बी वेरी सेन वेरी नॉर्मल एंड कोई उनमें ईगो नहीं था, कोई एटीट्यूड नहीं था, इतने बड़े फनकार होने के बाद अगर कोई इतना हम्बल रह सकता तो दैट्स अ वेरी वेरी बिग लेसन फॉर ऑल सिंगर्स लाइक मी लाइक ऑल दी अदर सिंगर्स इन द इंडस्ट्री। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो इतने बड़े आर्टिस्ट बन के फिर भी इतने हम्बल है एंड दिस इज़ व्हाट आई लाइक टू टेक लेसन फ्रॉम। अपकमिंग डेज में कौन कौन से गाने हैं सुनने वाले हैं जो किसी के जुबान पर होने वाले हैं? अभी मैं फ़िलहाल अपने सिंगल पे काम कर रहा हूँ, वो इस महीने के एंड में या अगले महीने आ जाएगा, उसमें खुद मैं वीडियो में भी हूँ, तो बहुत ही एक्साइटिंग सिंगल है और इसमें अमाल का म्यूज़िक है एंड टी सीरीज़ का सिंगल है, तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ उसके लिए। एंड अगर आप देखें तो यू नो फिल्म म्यूज़िक के साथ साथ नॉन फिल्म म्यूज़िक को बहुत बहुत बढ़ावा मिल रहा है और इसका एक रीज़न भी है कि क्योंकि फ़िल्म म्यूज़िक का एक वो रिक्रिएशन के जोन में चला गया, तो एवरीवन इज़ फीलिंग कि म्यूज़िक थोड़ा और बेटर हो सकता है एंड दैट इज़ वाई नॉन फिल्म म्यूज़िक जो है वो बहुत बड़ी तरीके से आया है। एंड जैसे 90s में होता था शान के पल, ये सब जो गाने थे हमारे कॉलेज मतलब स्कूल कॉलेजेस में हम लोग सब बहुत गाते थे, तो वो दौर आई थिंक वापस आने वाला है एंड नॉन फिल्म म्यूज़िक बॉलीवुड म्यूज़िक के बराबरी में होगा। नहीं नहीं नहीं, वो नॉर्मल इज जस्ट अ नॉर्मल मॉडल, मेन एक्टर मैं हूँ। विमेंस डे एक्चुअली सेलिब्रेट तो नहीं कर कह सकता मैं, बट आई वुड लाइक टू से कि जो हमारे सोसाइटी में जो वुमेन है, जो मेरे खुद के फैमिली में जो मेरी मॉम है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर रही हैं मेरे करियर में, उन्होंने एक्चुअली मुझे मैनेज किया है एंड यहाँ तक पहुँचाया है। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके लाइफ में जो वुमेन हैं उनसे बहुत प्यार करें, उनको बहुत रिस्पेक्ट दें, क्योंकि घर से रिस्पेक्ट जब स्टार्ट होती है तब पूरे कंट्री में रिस्पेक्ट आती है। थैंक यू सो मच थैंक्स अ लॉट। बाबू ने हमारे स्टेज पर किया था।
दो ना प्लेटफॉर्म दो ना क्या मेरे हाथ से शांत करो शांत करो मैं एक कुछ जरूर पीछे डाल दिया भाई थोड़ा आई हां भाई पीछे हां हां सब छोड़ दो पीछे हो जाएंगे बैठ जाओ चलो रोल ओके हरि जी चलो रोल कर लो आ तो रही और बत्रे को छक्का वो चेयर पे चेयर पे बत्रे को क्या बात है सर क्या ये सर यहाँ देखो सर सर इधर अरे बीच में इधर इधर देखो अब बस मामा उतारे हैं यहाँ से उतारे मैं यहीं से उतारा जो खड़े थे हाँ कम करो कम या बोली बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद शुक्रिया साइलेंस साइलेंस प्लीज ये बर्थडे जो है ये मेरे बेटे ने मनाई है इसे सोनू निगम ने तो इसको धन्यवाद क्या कहूँ बहुत दुआ दे रहा हूँ हाँ मैंने नहीं पूरे फैमिली ने रबानी हम सब ने मिलके हमारे फादर हैं मेरे गुरु जी तो हैं ही पर साथ में फादर हैं और भारत के बहुत बड़े मान सम्मान जो है हमारी कंट्री की नाक हैं ये और इनके इन्हें पद्म विभूषण मिला है इस बारी और कल ही इनका बर्थडे भी था मेरी 7th बर्थडे तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर सब मौजूद हैं और जो सेवा इन्होंने म्यूज़िक की है जो म्यूज़िक को उन्होंने एक ऐसा आयाम दिया है उसमें इनको पद्म विभूषण मिला तो उसमें पद्म विभूषण का भी सम्मान है मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्म विभूषण दिया है इसमें सारे मेरे सारे भारतवर्ष के वासियों का की दुआ है और सुनने वालों का बड़ा आशीर्वाद है और मेरे सब शागिर्दों का सब बच्चों का बहुत बहुत दुआएं हैं पर्शियन का एक शेर याद आया कि हर के खिदमत कर दे वो मखदूम शुद्ध आर्टिस्ट जो है सबकी खिदमत करता है तो लोगों में वो मखदूम हो जाता है लोगों के अंदर वो बहुत ही प्रेस्टिजियस हो जाता है तो हमारा काम यह है एज एन आर्टिस्ट के हम सारी दुनिया के लोगों की ना कि सिर्फ मुल्क की सारी दुनिया के लोगों की खिदमत करते हैं खिदमत अल्लाह को बड़ी पसंद है धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस मौके पर जन्मदिन भी है पद्म विभूषण भी है क्या कुछ आपके देखिए ये सच्चा ये हमारी सच्ची धरोहर है जो हमारा जिस वजह से हम लोग भारत को महान जिस वजह से हम लोग भारत की संस्कृति को महान बोलते हैं उसका जीता जागता सबूत हाँ साहब हैं गुलाम मुस्तफा खान साहब इनका टैलेंट इनकी सेवा इन्होंने जितने लोगों को संगीत सिखाया है संगीत दिखाया है संगीत का सच्चा स्वरूप इन्होंने दिखाया है ये सही मायने में उस इज्जत के हकदार हैं मैंने कुछ ऐसे नहीं किया हम सभी ने मिलकर भी कुछ नहीं किया सारा परिवार सारे जो उनके चेले हैं सबके सब इनकी ही वजह से हैं और इनको सम्मान देना मतलब हमें खुद हमारे दिलों को हमारी आत्मा को शांति मिलना तो ये हमने अपने लिए किया है सोनू
ना ना बिल्कुल नहीं, मैं तो इनसे कितना सीखा हूँ, मैंने इनसे सही मायने में सुर लगाना सीखा है कि कैसे वॉइस कल्चर क्या होता है। इनको एक्सपर्टीज़ ना केवल राग रागिनी का है बल्कि इनको वॉइस कल्चर की बहुत समझ है, और ऊपर से इनको जब लोग इस लेवल का रियाज़ करते हैं तो उनके अंदर एक दैवीय शक्ति आ जाती है, रूहानी ताकत आ जाती है, वो किसी भी नॉलेज से थीसिस से ऊपर है। ये फिर खुदा के बहुत नज़दीक पहुँच जाते हैं ऐसे लोग, और फिर जब ये किसी को छूते हैं तो उस पर उसके ऊपर नूर बरसता है, तो ये वैसी चीज़ है। चलिए हाँ नहीं है, हाँ हाँ चलो 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 थैंक यू Global Advertiser for innovative outdoor solutions.